हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है राज एंड आप सभी लोग का वेलकम है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल लकी आरजे में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री के द्वारा एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई हुई है। अब दोस्तों भारत के हर कोने कोने में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र ओपन किया जाएगा, जिसका दोस्तों ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो चुका है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक कम्प्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र कैसे ओपन किया जाता है और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र क्या है और इसको ओपन करने से आप सभी लोग को कितनी इनकम हो सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र क्या है। तो बेसिकली दोस्तों प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा एक मेडिकल शॉप है। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों कोई भी सामान्य मेडिकल में आप लोग जाके दवाई लेते हो, वहाँ पर दोस्तों जो दवाई की रेट होती है 100, 200, 300 रुपये, वही दवाई दोस्तों अगर आप लोग प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में आप लोगों को 50% डिस्काउंट में मिलती है। यानी कि दोस्तों जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है उसमें दोस्तों जो भी दवाई दी जाती है वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। एंड दोस्तों जो भी ये केंद्र ओपन कर लेता है उन लोगों को दोस्तों मंथली 30 से 40 हज़ार रुपये की अर्निंग हो जाती है। आप सभी लोग इंटरेस्टेड हो और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र ओपन करना चाहते हो तो इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। चलिए दोस्तों अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र आप लोग किस प्रकार से खोल सकते हो। तो दोस्तों वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को दोस्तों janaushadhi.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। डायरेक्ट आप लोग इस वेबसाइट पे आ जाना। इस वेबसाइट के माध्यम से दोस्तों आप सभी लोग प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के लिए आवेदन कर सकते हो, जिसका नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों लिंक को भी एक्टिवेट कर दिया गया है। अब यहाँ पे आप सभी लोग को ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर केंद्र का, तो आप लोग एक बार इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स या काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी, जो कि आप लोग प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र अगर आप लोग ओपन करते हो तो उसकी PDF दी गई है। इसमें सारी बेसिक जानकारी आप सभी लोग को मिल जाएगी। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र ओपन करने से पहले आप सभी लोग को जानना पड़ेगा कि आपके लोकेशन में ये केंद्र ओपन हो सकता है या नहीं हो सकता है। उसके लिए ऑप्शन दिया गया है चेक अवेलेबल लोकेशन का, तो आप एक बार इस पर क्लिक करना। यहाँ से आप सभी लोग को अपने स्टेट को चूज करना, सभी स्टेट अवेलेबल हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का चूज करना और यहाँ पे अप्लाई फॉर केंद्र के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अप्लाई फॉर केंद्र के ऑप्शन पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आप सभी लोग का ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सभी लोग को सबसे पहला ऑप्शन मिलता है रजिस्टर्ड नाउ का, तो आप लोग रजिस्टर्ड नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। आप लोग का रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। अपना नाम टाइप करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है, अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, अपना ईमेल आईडी। यहाँ से आप सभी लोग को अपने स्टेट को चूज़ करना है, जो भी आप सभी लोग का स्टेट होगा उसको यहाँ पे आप लोग चूज़ कर लेना। इसके बाद जो भी यूज़र आईडी आप लोग रखना चाहते हो वो यहाँ पे चूज़ करना और जो भी पासवर्ड रखना चाहते हो वो यहाँ पे चूज करना और एक बार कंफर्म करने के लिए वही पासवर्ड को डाल देना। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। ओके, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। आप लोग रजिस्टर्ड हो चुके हो सक्सेसफुली तरीके से। अब यहाँ पे ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जो यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाया हुआ था उसको यहाँ पे डालना है और यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और एप्लीकेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कैप्चा जो दिया गया है इस कैप्चा को यहाँ पे डालना है और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आवेदन करने से पहले मैं आप लोग को कुछ बेसिक जानकारी बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप सभी लोग को देखोगे कि 5,000 रुपये का जो फंडिंग है वो आप सभी लोग को लगेगा। यानी कि अगर आप लोग प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र ओपन करना चाहते हो तो 5,000 रुपये का पेमेंट आप सभी लोग को करना पड़ेगा, तभी जाके आप सभी लोग यहाँ पे ओपन कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे कुछ और भी रिक्वायरमेंट लिखी गई है जो कि आप सभी लोग को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे अगर आप सभी लोग को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र ओपन ही करना है तो आप लोग को ऑप्शन मिल जाता है रिक्वेस्ट फॉर गेट एप्लीकेशन फॉर्म का, तो आप सभी लोग एक बार इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन आ जाएगा गेट एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप 1 का। अब यहाँ पे आप सभी लोग को ऑप्शन मिलता है एप्लीकेंट कैटेगरी का, तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो यहाँ पे आप सभी लोग को चूज करना है। अगर दोस्तों आप सभी लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो या अगर आप लोग NGO चलाते हो तो भी आप सभी लोग ओपन कर सकते हो। अन्यथा अगर आप सभी लोग कॉमन सर्विस सेंटर वाले हो या कोई भी सामान्य व्यक्ति हो तो आप लोग इंडिविजुअल के ऑप्शन पे चूज कर देना। इसके बाद ऑप्शन आता है एप्लीकेशन सब कैटेगरी का, तो आप लोग एक बार इस पर क्लिक करना। अब यहाँ पे आप सभी लोग को अपने कैटेगरी को चूज करना पड़ेगा। अगर आप लोग ST से बिलोंग करते हो या अगर आप सभी लोग दिव्यांग हो तो वो यहाँ पे चूज कर देना, अन्यथा आप सभी लोग जनरल कैटेगरी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे नेम ऑफ डिपोजिटर यानी कि आप सभी लोग को अपना नाम डालना है। साथ ही साथ नेम ऑफ बैंक, यहाँ पे आप लोग को अपना बैंक का नाम डालना है। अकाउंट नंबर यहाँ पे आप सभी लोग को अपना डालना है। IFSC कोड यहाँ पे आप सभी लोग को डालना है और मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे आप लोग एक बार इस पर क्लिक करोगे
UPI ID के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो तो कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो। सबसे आसान होता है UPI के थ्रू पेमेंट करना, तो मैं UPI चूज कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों ट्रांजेक्शन रेफरेंस ID आप सभी लोग को यहाँ पे डालना होगा। जैसे दोस्तों आप सभी लोग पेमेंट कर देते हो फोन पे, गूगल पे या पेटीएम के थ्रू आप सभी लोग पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि इस बैंक में करना है, बैंक ऑफ बड़ौदा में करना है। अकाउंट नंबर भी यहाँ पे दिया गया है और IFSC कोड भी यहाँ पे दिया गया है। आप लोग अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी UPI के थ्रू इसमें 5,000 रुपये का पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के बाद जो ट्रांजेक्शन रिसिप्ट नंबर होता है उस ट्रांजेक्शन ID नंबर को यहाँ पे डाल देना है। किस डेट में आप सभी लोगों ने ट्रांजेक्शन किया यानी कि 5,000 रुपये का पेमेंट किया वो यहाँ पे आप सभी लोग को डेट को डाल देना है। पेड बाय आप लोगों ने कितना पेमेंट किया वो यहाँ पे आप सभी लोग को डाल देना है। नंबर ऑफ स्टोर अप्लाई आप लोग कितना प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र ओपन करना चाहते हो। सबसे आसान होता है मैं एक ओपन करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे एक ऑटोमेटिक लिखा हुआ है। अगर आप लोग 10,000 रुपये का पेमेंट करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपने कैटेगरी के हिसाब से पेमेंट कर देना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स आप सभी लोग को फिलअप करना पड़ेगा, जिसके लिए कि आप सभी लोग को अपना पूरा नाम यहाँ पे डालना है। कोई एक से ज़्यादा नंबर है आप लोग के पास तो वो यहाँ पे आप सभी लोग को डालना है। सभी लोग को अपना आधार कार्ड का नंबर भी यहाँ पे आप सभी लोग को डालना है और पैन कार्ड का जो नंबर है वो भी यहाँ पे आप सभी लोग को डालना है और गेट न्यू स्टेप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों का लगभग 2 से 3 महीने का टाइम लगता है आप लोगों का आवेदन को अप्रूव होने में। अगर दोस्तों आप सभी लोग को अपना स्टेटस देखना है तो शो ऑल रिक्वेस्ट फॉर्म आप सभी लोग एक बार इस पर क्लिक कर देना, आप लोग का जो भी रिक्वेस्ट फॉर्म है वो यहाँ पे आ जाएगा। हालांकि दोस्तों मैंने अभी आवेदन नहीं किया है, ये आप लोग को बताने के लिए ये ऑनलाइन का प्रोसेस किया है। तो जैसे आप सभी लोग शो ऑल रिक्वेस्ट फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप लोग का आवेदन फॉर्म आ जाएगा। अगर आप लोग का आवेदन अप्रूव हो जाता है तो बहुत ही आसानी से आप लोग का प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र ओपन हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आप सभी लोग प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र ओपन कर सकते हो और दोस्तों बहुत ही सस्ती दामों में दवाई को सेल कर सकते हो और एक बहुत ही अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।